देखिए ये क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड अपॉन डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। इस क्वेश्चन में कोई से भी दो टर्म लेकर सोल्व नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर एक में अलग अलग टर्म है। अगर डी एक्स की बात करें तो इसके निचले वाले टर्म में डिनोमिनेटर में एल नहीं है, एक्स ना एल है ना ही एक्स है, दूसरे वाली में वाई भी नहीं एम भी नहीं, तीसरे वाली में जेड नहीं और एन नहीं। तो इसको मल्टीप्लायर मेथड कहते हैं, गुणांक मेथड। इसमें किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं जो नीचे एक टर्म जीरो हो जाती है। हमने कहा लेट एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स। तो देखिए तीनों टर्म को जुगा तो लिखा हमने यहाँ से, ये तीनों टर्म हमने जुगे तो लिख दिए। फिर यहाँ देखिए पहले वाले में इस पहले वाले टर्म में एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसमें वाई से, इसमें जेड से, और तीनों को जोड़ दिया। जोड़ इसलिए दिया जिससे जीरो हो जाए, अगर माइनस करके जीरो होता है तो माइनस कर देते हैं। इसमें एक्स से मल्टीप्लाई वही, इसमें वाई से, इसमें जेड से करके जोड़ा, सब कुछ कट गया, नीचे एक टर्म जीरो हो गई। तो जब नीचे एक टर्म जीरो हो गई, इस पूरी टर्म को किसी एक के साथ ले लेते हैं तो नीचे का जीरो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जीरो कर देता है। तो ये आपका बचता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी वन बाई टू। बाई टू कॉन्स्टेंट हटा दिया तो आंसर आ गया। सिमिलरली ये एल एम एन मल्टीप्लायर मान लिया है, तो ऐसे ही एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन जीरो हो गया। जीरो किसी एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड जीरो हो गया। यहाँ से एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू सी टू। तो कंप्लीट सोल्यूशन फाइव सी वन कॉमा सी टू, और ये आपका फाइव के साथ आंसर आ गया।